BP machine is best, Android sphygmomanometer like dial digital or mercury sphygmomanometer? Very good question. DYCDC, देखिए digital और manual जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, जैसे आपने कहा है स्फिग्मोमैनोमीटर यानी कि बीपी मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो इसके दो अलग टाइप्स होते हैं, एक डिजिटल होता है और दूसरा मैनुअल होता है। अभी डिजिटल आपने देखा होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। अब डिजिटल जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। उसके सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है और कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली जो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो पेशेंट खुद ही अपने हाथ पे लगा के खुद ही चेक कर सकता है। मतलब घर पर अगर कोई ना हो और पेशेंट को अचानक से ऐसा लगे कि उसका बीपी बढ़ रहा है या कोई बीपी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, पेशेंट खुद ही बैठकर वो चेक कर सकता है। तो इसलिए डिजिटल जो बीपी मॉनिटर है या डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो घर के लिए बहुत ही अच्छा है। सेकेंडली, इसमें एक जो डिजिटल बीपी मॉनिटर्स जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसमें बहुत सारे फीचर्स है, नॉट जस्ट ब्लड प्रेशर बल्कि ये पल्स भी मेजर करता है। इसके साथ साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कम होता है तो भी वहाँ पे वो मॉनिटर में बीपिंग आता है। सेकेंडली, अगर आपका हार्ट बीट या वगैरह कुछ इरेगुलर होता है तो भी वहाँ पे इंडिकेशन आता है। तो ये सब एडिशनल फीचर्स होते हैं। एंड डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो होता है वो परफेक्ट है होम यूज़ के लिए, इसलिए क्योंकि अगर आप स्पेशली अगर आपने इमीडिएट अभी रिसेंटली कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट की होगी या फिर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर कभी कभी कम हो जाता है, उसकी वजह से चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होता है, या अभी अभी दवाई बदल दी है कोई ब्लड प्रेशर की, तो ऐसे लोगों ने अगर डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर अगर घर पर रखते हैं तो वो दिन में 3-4 बार 6 बार रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। मेरे जो पेशेंट्स हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं तो अगर उनको मैं दवाई चेंज करती हूँ तो उनको मैं कहती हूँ एक चार्ट बनाओ और दिन में 4 अलग अलग टाइम पे आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करो और वो चार्ट पे पूरा एंट्री करो और 7 दिन का ऐसा चार्ट बनाओ और वो मेरे पास आकर दिखाओ। तो उसके हिसाब से मुझे एक एवरेज पता चल जाता है कि किस तरह से मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई का डोज एडजस्ट करना है, कहाँ पे कम डोज देना है, कहाँ पे ज्यादा डोज देना है। ये सब चीजों के लिए बेसिकली मॉनिटरिंग पर्पजेस के लिए डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर परफेक्ट है घर के लिए और आपके लिए एज अ पेशेंट। अब दूसरा जो होता है वो मैनुअल ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, उसमें दो तरह का होता है। एक तो एनारॉइड होता है यानी कि उसमें घड़ी जैसा काटा होता है और इस तरह से हमको प्रेस करना है और कफ लगाना है, उसको हम लोग एनारॉइड कहते हैं। और दूसरे टाइप का जो मैनुअल बीपी मॉनिटर होता है वो मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है। अब मर्क्यूरी बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते फॉर द सिंपल रीज़न कि वो जो मर्क्यूरी होता है वो एक्सट्रीमली पॉइजनस है और अगर थोड़ा सा भी लीक हो जाए तो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, इट कैन बी वेरी लीथल ऑल्सो। तो इसलिए हम लोग एनारॉइड यूज़ करते हैं। अब ये जो मैनुअल ब्लड प्रेशर मॉनिटर है या ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज़ करने के लिए प्रोफेशनल ही चाहिए होता है, एक डॉक्टर चाहिए होता है या प्रोफेशनल मेडिकल पर्सनल चाहिए होता है और ये हॉस्पिटल सेटिंग्स के लिए बेस्ट होता है। अब डिजिटल जो बीपी मॉनिटर मैंने कहा उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, बैटरी रखनी पड़ती है, उसको चार्जिंग के लिए रखना पड़ता है, कई बार चार्जिंग कम ज़्यादा हो गई तो कई बार रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से घर के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट है। अब जो मैनुअल बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा ईजी नहीं है, थोड़ा सा बल्की भी होता है और उसको कैरी करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वो घर के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। हालांकि चलिए अब हम ये सोचते हैं कि कौन सा एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो देखिए अगर एक्यूरेट रीडिंग की बात करते हैं तो मैनुअल ब्लड प्रेशर मॉनिटर या मैनुअल बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सबसे एक्यूरेट रीडिंग देता है, डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट नहीं देता। मैनुअल बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ऑस्कल्टेशन मेथड जो होता है, जो स्पेशली डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं बीपी चेक करने के लिए, उसके हिसाब से वो मेजर किया जाता है, इसलिए परफेक्ट होता है और एकदम ही एक्यूरेट होता है। लेकिन अगर आप घर पर हो, अगेन मैं कहती हूँ डिजिटल बीपी मॉनिटर आप खरीद लीजिए, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है घर पर रखने के लिए। एक थर्मामीटर होना चाहिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर घर पर होना चाहिए और एक बीपी मॉनिटर और एक ब्लड ग्लूकोमीटर होना चाहिए।